भाई शेर चली गया अम्मी। हाँ जी। तुझे एक बात कहूँ? हाँ बोलो। तू आज भी चाय बड़ी लाजवाब बनाती है। मैं तो तेरी चाय का दीवाना हूँ। बस चाय के दीवाने हो? अरे नहीं, तू तो मेरी जान है, तेरा तो मैं लट्टू हूँ। शेख चिल्ली के अब्बू, तुम्हें एक बात बताऊं? बता। जब तुम्हारे अम्मी अब्बू मुझे घर पे देखने के लिए आए थे ना, हाँ, तो उन्होंने मेरे हाथ की बनी चाय पी थी। अच्छा। तो वो मेरे हाथ की बनी चाय के दीवाने हो गए थे और उन्होंने मुझे तुरंत ही पसंद कर लिया था। इसका मतलब यह है कि तेरी चाय में जादू है। अजी नहीं। तू जादू वाली चाय बनाती है? अजी नहीं, ये जादू वाली चाय नहीं, ये मोहब्बत वाली चाय है। सही कह रही है। अल्लाह हम दोनों की मोहब्बत ऐसी कायम रखे। आमीन। मैं जरा बाहर घूम के आता हूँ। ठीक है जी। आज इस मनुष्य आत्मा को उस शेख चिल्ली के घर में छोड़कर अपनी पिटाई का बदला लेकर रहूंगा। कहीं शेख चिल्ली ना देख ले, आराम से चल चले, आराम से। ये आदमी कौन आ रहा है? इसको कहीं देखा है? अरे ये तो शेख चिल्ली का अब्बू। चुप जा। चल बेटा अकेला अपने काम पे लग जा। घर में भी कोई नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा है, यहीं रख देता हूं। हे मनुष आत्मा, मैंने अपना काम कर दिया, अब तू इस हांडी में से निकलकर इस शेख चिल्ली के घर में अपना आतंक मचा। अब मैं चलता हूं। चलो मैंने अपना काम कर दिया, अब जाकर गुरुजी को बतलाता हूं। गुरुजी अब खुश हो जाएंगे और देखना मुझको कितनी शाबाशी देंगे कि वाह मेरे चेले। कहां से आ गई? रात तो थी नहीं, इसे यहां कौन रख गया? बाहर देखती हूं। यहां पे तो कोई भी नहीं है। कमाल की बात है, ये हांडी आई कहां से? इसमें देखती हूं क्या है। Ah!
चच्चा सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और सुनाओ इकबाल मियां, सुबह सुबह कहाँ टहलने चल दिए? चच्चा मैं तो फजर की नमाज के बाद पूरे गांव का राउंड लगाता हूँ, अपने फेफड़ों में ताजा ऑक्सीजन भरता हूँ। बेटे ये आदत मेरी है। इकबाल बेटे तू एक बात बता। हाँ जी। तूने कल शेख चिल्ली को क्यों पीटा था? अरे चच्चा छोड़ो इस बात को, रात गई बात गई। अगर मैंने आपको कारण बता दिया ना तो आप भी शेख चिल्ली को घर जाकर पीटोगे। अच्छा ऐसी बात है, चल मत बता। एक काम कर मेरे साथ चल, नाश्ता तो मेरे साथ कर लियो। ना चाचा मैं ना जा रहा तुम्हारे घर, शेख चिल्ली से मेरी अनबन चल रही है। अरे बेटे इस बहाने में तुम्हारी अनबन खत्म करा दूंगा। अरे यार एक ही गांव में रहते हो, आपस में दुश्मनी अच्छी बात कोई है? ये बात है चाचा। हाँ तो चलो फिर। चलो बेटे चलो। अभी तो पागल हो गए क्या? तो क्या कर रही है? बताया लाडला से अकेली हूँ अम्मी, तो क्या कर रही है? बोलना। अम्मी नहीं, मनोज आत्मा हूँ, मैं तेरा खून चूसने के लिए आया हूँ। हाँ क्या हुआ शेख जी? मुझे लगा अम्मी का दिमाग खराब हो गया। देखिए सुबह सुबह अम्मी अम्मी छोड़ो अम्मी अम्मी ये शेख जी अम्मी 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 छोड़ दो अम्मी, शिष्य एक जी का गला उड़ जाएगा। अम्मी अम्मी देखो इनकी बाहर आंख आ गई। अम्मी छोड़ दो अम्मी। मैं अम्मी नहीं हूँ, मैं मनुष आत्मा हूँ। मनुष आत्मा, मनुष आत्मा हमारे घर में भी आ गई। या अल्लाह खैर करे। तुम क्या करने आई हो यहाँ? खून चूसने आया हूँ। अम्मी अम्मी छोड़ दो ना अम्मी। नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा भी खून चूस जाऊंगा। अम्मी मर जाऊंगी मैं। अम्मी छोड़ दे अम्मी। मनुष्य आत्मा मेरे उसे छोड़ दे, मेरे उसे छोड़ दे। बैठ जा, कुछ मत कर, बैठ जा। खून तो वैसे इंस्पेक्शन है। अम्मी छोड़, अम्मी मुझे बचाओ शेख जी, ये मनु साथ मुझे मार डालेगी। शेख जी चले, इस बार तू मनहूस आत्मा की हांडी कहाँ छोड़ के आया है? गुरुदेव इस बार वो मनहूस आत्मा वाली हांडी मैं शेख चिल्ली के घर में छोड़ कर आया हूँ। अबे मूर्ख, शेख चिल्ली और उसका बाप तो सकल से ही भीख मांगने लगते हैं। अबे क्या वो झाड़ फूक कराने का मुआवजा दे देंगे? हाँ गुरुदेव, वे है तो गरीब आदमी, सोना शायद ना दे पाए, पर पैसा तो सालों को देना ही पड़ेगा। नुकसान, झरमुंडा को सोने का भारी नुकसान। अबे मूर्ख, तू मनुष्य आत्मा को शेख चिल्ले के घर क्यों छोड़ के आया है? और कोई घर नहीं मिला था तुझको? माफ कर दो गुरुदेव, बस मुझे उस शेख चिल्ली से अपनी पिटाई का बदला लेना था, इसलिए मैं उस हांडी को उसके घर छोड़ आया। बेवकूफ मूर्ख गधे, आज तूने मेरा नुकसान करा दिया, आइंदा ध्यान रखना, जा मेरे लिए चाय लेकर आ। जी गुरुदेव अभी लाता हूँ। आओ बालमिया आओ,
बिल्कुल गरम गरम नाश्ता दोनों साथ करेंगे। चाचा क्या बनवा रखा नाश्ते में? बेटा चाय, और तुम्हारी चच्ची ने वो बनाए होंगे वो आलू के पराठे। आलू के पराठे? हाँ। चलो तो फिर आ जा। ओबे तेरे की, अरे वाल्मिया। हाँ जी। ये काली करतूत की हंडिया हमारे यहाँ कौन छोड़ गया? चाचा ये तो बिल्कुल वैसी हंडिया है जैसी मुझे मेरे घर पे मिली थी। इस हंडिया के मिलने के बाद ही तो मेरे सर पे मनहूस आत्मा सवार हुई थी। ये बात तो तेरी सही है, पर एक बात तो समझ में नहीं आ रही, इसे हमारे घर कौन सुसरेगा छोड़ के गया? कौन है जो हमसे दुश्मनी निकाल रहा? चाचा वो कोई आदमी नहीं है, हड्डियों से बना हुआ शैतान है। उसने मेरे से तो बदला ले लिया, अब से एक चिल्ली की बारी है। अबे क्या कह रहा है तू? मैं ठीक कह रहा हूँ चाचा। अबे इकबाल, ये तो तेरी चच्ची जैसी आवाज लग रही है। चाचा मामला गड़बड़ हो गया दिखे, चलो जल्दी। चल जल्दी। इसे क्या हो गया? अबू, हाँ? ठेकेदार के साथ यह मनुष्य आत्मा सवार होगी अम्मी पे। अबू जल्दी से कुछ करो अबू, वरना ये मनुष्य आत्मा हम सबका खून पी जाएगी। कोई भी नहीं बचेगा घर में, मैं सबका खून पी जाऊंगा। अबू मुझे बहुत डर लग रहा, बहुत डर लग रहा। अबू कुछ करो, कुछ करो अबू। अभिषेक जल्दी, मैं तो डर के मारे कांप रहा हूँ, मेरी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मुझे तो तेरी अम्मी के ऊपर बेटा अपनी मौत नजर आ रही है, मौत। शेख जी तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, तुम ही चले जाओ तांत्रिक बाबा को बुला लाओ जिसने इकबाल भाई की झाड़ फूंक की थी। रुखाना, अबे वो बाबा नहीं तो लुटेरा लुटेरा, 5 तोला सोना और 5000 रुपए मांगता, हम कहाँ से देंगे? हमारे पास तो बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं है, बता कहाँ से देंगे हम? क्या वो बाबा उधार नहीं कर सकता झाड़ फूक? ओबे ये तरकीब तूने सही बताई, मैं बाबा की खुशामंद करके मैं उसका मुआवजा उधार कर लूंगा। बाबा उन्हें भी कह दी तो पैसे उधार कर ले तो काम हो जाएगा। ऐसे बचाओ चाचा, मैं झाड़ फूक करने वाला थोड़ा ही हूँ, मैं तो चिनाई के काम का ठेकेदार हूँ। बाबा को बुला ला, अब बोला ना तू उनको, अब जा। हाँ चाचा ये काम तो मैं कर दूंगा। यहाँ आ जल्दी, मेरे मौला अबू तुमने ये क्या कर दिया?